और यूपी में माफियाओं पर एक्शन, राज्य को अपराध मुक्त कराने का योगी का सबसे बड़ा अभियान है ये। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को साफ संदेश दिया कि यूपी में जो कानून का पालन नहीं करेगा वो सजा भुगतेगा। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूबे के अपराधियों को चेतावनी देते हुए बता दिया कि यहाँ हर अपराधी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरप्रस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं, इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। 100 केस और 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अतीक अहमद को सजा मिली। वहीं योगी सरकार ने अतीक के काले साम्राज्य को भी जमींदोज कर दिया, क्योंकि योगी ने ठाना है माफियाओं को मिट्टी में मिलाना है। देखिए, सीएम योगी स्कूली बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा बेहतर ज्ञान के मंत्र पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को 100% साक्षर बनाने की चुनौती पूरी करनी ही होगी। इस लक्ष्य के लिए सीएम ने शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी दी। अभिभावकों की भी बैठक ले, अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, किस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं, फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए, उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी ग्राम पंचायत का। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बनाने को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने बताया कि आज 1,92,00,000 नए बच्चे स्कूल से जुड़े हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1,36,000 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 1,60,000 टीचर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। ड्रॉपआउट रोकने के लिए स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया और छात्रों को उचित माहौल दिया गया। डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि इन बच्चों के अभिभावक के अकाउंट में जाना है, वह तत्काल हम अगले 1-2 महीने के अंदर इस पैसे को उन परिवारों के, उन अभिभावकों के खाते में भेज सके, जिससे समय पे यूनिफॉर्म मिल सके बच्चों को, समय पे वे बैग खरीद सकें, समय पे जूते मोजे का खरीद कर सकें, और फिर जाड़ा आने के पहले उन बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था भी कर सके। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में 100% साक्षरता के संकल्प पर काम कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के मौके पर सीएम योगी ने अपने संकल्पों को दोहराया। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं, जो शेष 20,000 इस विद्यालय बचे हैं उन्हें इस सत्र में हम लोग कुछ को गोद लेकर के, कुछ को राज्य के बजट से, कुछ को ग्राम प्रधान निधि से, इन कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं अब तो पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव आया है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकास खंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। आगे बढ़ते हैं। बेमौसम बरसात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके, मौसम की मार से किसानों पर असर ना हो, इसके लिए सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने लखनऊ में अफसरों की बड़ी बैठक बुलाई और किसानों को तत्काल हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति की समीक्षा के साथ ही सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। सीएम ने किसानों को मुआवजा वितरण में देरी न करने की बात कही। खराब मौसम की वजह से गेहूं की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव की आशंका है। मुख्यमंत्री ने ऐसी फसलों की खरीद के लिए उचित नियम बनाने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि जनहानि की स्थिति में पीड़ित परिवार को तुरंत सहायता दी जाए। बैठक में सीएम ने किसानों को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देने और अर्ली वार्निंग सिस्टम के इस्तेमाल का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि सुदूर गांव तक किसान को टीवी, अखबार और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यूपी में पिछले 24 घंटे में ही 9 जनपदों में ओलावृष्टि की सूचना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में कुछ जनपदों में ओलावृष्टि की आशंका है। योगी सरकार की ओर से सभी आवश्यक सतर्कता प्रबंध किए जा रहे हैं।